विधानसभा में विपक्ष की ओर से पूछे गए सवालों में हस्तक्षेप करते हुए अध्यक्ष सीपी जोशी ने जब पूरक प्रश्न पूछे तो सरकार के कई मंत्री घिरते हुए भी नजर आए। मंत्री शांति धारीवाल और सुखराम विश्नोई अपने महकमों से जुड़े सवालों का संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इस खास रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने ब्यावर शहर में सीवरेज से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण से जुड़ा सवाल पूछा। इस सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि माननीय मंत्री जी, ये पूरे प्रदेश के शहरों की स्थिति है, ऐसे में ऐसी कोई पॉलिसी फ्रेम तैयार किया जाए ताकि जो संविदक सीवरेज डालने के लिए सड़क की खुदाई करता है उसके बाद पूरी सड़क का निर्माण करे। सवाल के जवाब में स्वायत्तता शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि संविदक की शर्तों के अनुसार जो सड़क सीवरेज के लिए तोड़ी जाती है उसका निर्माण करने के लिए ठेकेदार बाध्य होता है, लेकिन पूरी सड़क के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाता। इस पर पूरक प्रश्न करते हुए स्पीकर ने कहा कि संविदा को पूरी सड़क के लिए बाध्य किया जाए, इसके लिए जरूरत हो तो कानून में कोई संशोधन किया जाए। जैसा आपने कहा कि सड़क बिल्कुल सड़क के बीच में सीवरेज लाइन खोद दी गई है, ये बात सही है। जब सड़क के बीच में सीवरेज लाइन खोदी जाएगी तो लेफ्ट और राइट की जो सड़क है उस पर मलबा पड़ेगा, मलबा पड़ा रहेगा, क्योंकि जब खोदेंगे तो मलबा निकलेगा, मिट्टी निकलेगी और निकलेगी तो वो डैमेज तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संवेदक के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया, ये एग्रीमेंट की कॉपी है मेरे पास, ये मैं दे देता हूँ, इसकी शर्तें पढ़ लेना आप। हाँ, ये शर्तें पढ़ लेना इसकी पूरी। आप वो निवेदा मैकेनिक मतलब मैकेनाइज वे में उसको करता है तो उसके आस पास की जो साइड की जो है वो भी कोलेप्स होती है, और जब कोलेप्स होती है ऊपर तो उसका मलबा आता है और नीचे वो कोलेप्स हो जाती है। जब कोलेप्स हो जाती है तो संवेद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसको तो काम करना नहीं है, और नगर पालिका के पास पैसा नहीं है, तो जो सीवरेज का अच्छा पैसा हम दे के काम करवा रहे हैं उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। इस बारे में विभाग को कोई निर्णय लेना चाहिए जिससे तीनों में कोऑर्डिनेशन रहे। सीवरेज के कार्य किया गया है वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच उसको खोदा गया है, चार चार फीट की उनको आवश्यकता होती है खोदने के लिए, लेकिन सीसी सड़कें पक्की सड़कों को खोदा गया जो 10-10 फीट माननीय अध्यक्ष महोदय पूरी की पूरी सड़कें उखड़ चुकी है, उसमें से सीसी रोड जो एक फीट का थिकनेस होता है वो कभी भी चार फीट टूट कर नहीं आएगी, जेसीबी से खोदते हैं पूरी की पूरी सड़कें खोदी गई है। इसके बाद प्रदेश में गौ संरक्षण अधिभार से प्राप्त राशि के संबंध में धर्म नारायण जोशी ने सवाल पूछा। वित्त मंत्री के तौर पर जवाब देते हुए धारीवाल ने गौ संरक्षण अधिभार से प्राप्त राशि का जवाब तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बता सके कि जून 2019 के बाद से प्रदेश की गौशालाओं को कितना अनुदान दिया गया। स्पीकर ने सवाल में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मंत्री जी, सिर्फ इतना बता दे कि जून 2019 के बाद से अब तक 21 महीने में गौशालाओं को कितनी अनुदान राशि जारी की गई। इस पर धारीवाल ने कहा कि फिलहाल मेरे पास अभी आंकड़े मौजूद नहीं है, बाद में आपको भिजवा दूंगा। गौशाला विकास कार्य 3,44,61,000, नंबर 3 गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना 20 लाख रुपया, नंबर 4 नंदीशाला जन सहभागिता योजना 7,20,00,000, 209.50 करोड़ रुपए गौशालों के लिए आवंटित किए, उसमें से 193.86 करोड़ रुपए आपके हिसाब से भुगतान कर दिया, 16 करोड़ बाकी रहे, जबकि मेरे पास जो आपका आंकड़ा है दूसरा, मैंने टोटल निकाली उसकी कि भुगतान मार्च 2019 तक 43 करोड़ रुपए बाकी है। इसी तरह उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जंगली जानवरों से फसलों को बचाने की कार्य योजना से जुड़ा फूल सिंह मीणा ने सवाल पूछा। इस सवाल का वन राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। किसानों की फसलों को रोजरो एवं जंगली सूरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 4(1) एवं 5(2) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 3/3/1994, 19/1/96, 3/4/97, 31/8/2000 एवं राज्य सरकार की पत्र दिनांक 31/3/98 द्वारा प्रावधान किया गया है, जिनकी प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट A से 5 पर संलग्न है। माननीय मंत्री जी, क्या उनके विधानसभा क्षेत्र के कृषकों की एप्लीकेशन पेंडिंग है? नहीं है साहब जी। वो एक ज्ञापन दिया है, कलेक्टर के ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि हमारे इलाके में ये रोजड़े आ रहे, खेती नुकसान हो रही है, तो क्या हमको जानकारी, दो बातें समझें,
टारगेट फिक्स करके तारबंदी करने का मतलब तारबंदी करने वाला आपके पास आएगा और पैसा ले जाएगा, रोजड़े नहीं रुकेंगे उससे। रोजड़े का संबंध इससे है कि रोजड़ा तो अपने मन से इधर उधर घूमता है, तो काश्तकार की नीड के आधार पर आप करोगे, टारगेट के आधार पर करोगे, इसलिए आप इसको रिवाइज करें। प्रश्नकाल के दौरान ही कुछ रोचक पल भी आए, जब मंत्री हरीश चौधरी से गफलत हो गई। चौधरी को जवाब देना था बलबीर दूथरा के प्रश्न का, लेकिन जवाब देने लग गए संतोष बावरी के सवाल का, जो कि बाद में था। दिलचस्प ये रहा कि मूल सवालकर्ता को भी पता नहीं चला, इस पर स्पीकर ने टोका तो गलती याद आई। फर्स्ट इंडिया के लिए नरेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट।